जब कोई व्यक्ति अपने संस्कृति एवं अपने आदर्शों से विमुख हो जाता है, उसी समय वह विनाश के पथ पर अग्रसर हो जाता है। विक्रम चौधरी कांड में भी यह सत्य सर्वथा सिद्ध होता है। विक्रम चौधरी, जिसने योग की अपनी अनोखी शैली का प्रचार किया, जो हॉट योगा के नाम से जाना जाता है, परंतु जिसका योग शास्त्र से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, परंतु प्रश्न तो अब भी है, विक्रम योगा है आखिर किस चिड़िया का नाम? यह विशिष्ट योग शैली विक्रम चौधरी की तथाकथित रचनात्मक दृष्टि से उभरी, जिसमें 26 आसन और 2 सांस लेने वाले व्यायामों का एक क्रम है, जिसे एक स्टूडियो में जानबूझकर एक ऐसे वातावरण में किया जाता है जो 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इस गर्म वातावरण के पीछे का इनका तर्क था लचीलेपन को बढ़ाना, रक्त संचार में सुधार करना इत्यादि। हालांकि सत्य और विज्ञान इससे कोसों दूर है। इससे पूर्व की अमेरिकी प्राणायाम को कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग की संज्ञा देकर उसे हथियाए, उससे पूर्व ही विक्रम चौधरी अमेरिका समेत संसार के कई समुदायों को चूना लगा रहे थे। न तो इनका विक्रम योगा हठ योग के समान जटिल था और न ही इसका बाबा रामदेव द्वारा सिखाए जाने वाले पतंजलि योग से कोई संबंध था। घूम फिर के भीषण गर्मी में कुछ ऊटपटांग पोज को इन्होंने योगासन के रूप में प्रचार करने का दुस्साहस किया। हां, यदि आप विक्रम चौधरी हैं तो, जिसकी योग पद्धति योग शास्त्र के आसपास भी ना हो, उसने अपने विक्रम योगा को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए योग शास्त्र को ही चुनौती दे दी और कॉपीराइट का मुकदमा दायर कर दिया कि इनका योग ही सबसे उचित है, बाकी सब बकवास है। 2011 में इसी उद्देश्य से विक्रम ने योगा टू द पीपल के विरुद्ध अमेरिका के एक न्यायालय में याचिका दायर की, जो इसी के एक पूर्व शिष्य द्वारा स्थापित एक प्रतिस्पर्धी योग स्टूडियो था, एवं रणनीतिक रूप से न्यूयॉर्क शहर में चौधरी के विक्रम योग स्टूडियो में से एक के करीब स्थित था। परंतु यहां इन्हें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अमेरिकी न्यायालय ने आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट किया कि योग शास्त्र या योग आसन किसी कॉपीराइट के अधीन नहीं हो सकते। परंतु विक्रम की वास्तविक सोच कितनी निकृष्ट हो सकती है, इसका आभास बहुत कम लोगों को ही रहा होगा। जनवरी 2014 तक विक्रम को यौन उत्पीड़न, असॉल्ट और विभिन्न प्रकार के भेदभाव के आरोप वाले 5 मुकदमों का सामना करना पड़ा। इनके विरुद्ध खड़े होने वालों में से सबसे अग्रणी थी इन्हीं की अधिवक्ता रही मीनाक्षी जाफर बॉर्डन। अपने कार्यकाल के समय उन्होंने महिलाओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ इनके कुत्सित और घृणित आचरण को देखा। इतना ही नहीं, विक्रम के विरुद्ध इनके विद्रोह का कारण था यौन शोषण, जिसका विरोध करने पर इन्हें विक्रम चौधरी ने निष्कासित कर दिया। एक समानांतर मामले में विक्रम के विरुद्ध योग शिक्षिका सारा बॉन ने यौन उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया। इस कानूनी दावपेच के अंत में जनवरी 2016 में जूरी द्वारा जाफा बॉर्डन को वास्तविक क्षतिपूर्ति के रूप में $9,24,500 देने का निर्णय सुनाया गया। जूरी ने चौधरी के कार्यों की दुर्भावनापूर्ण दमनकारी नीतियों का अनुसरण करने और धोखाधड़ी के लिए दोषी माना, जिससे मीनाक्षी को $6.4 मिलियन की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान हुई। ये कानूनी कार्रवाई चौधरी की सार्वजनिक छवि और उसके कथित व्यवहार के बीच के स्पष्ट अंतर को उजागर करती है, जिससे उसके चरित्र पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। ईवा ऑर्नर द्वारा निर्देशित 2019 की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री विक्रम योगी गुरु प्रेडेटर में विक्रम के वास्तविक आचरण को चित्रित किया गया है। डॉक्यूमेंट्री उसकी अभद्र भाषा को उजागर करती है और उसके दुष्कर्मों एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार पर भी प्रकाश डालती है। विक्रम की लालसा बहुत ही घिनौनी और निकृष्ट थी, विशेषकर श्वेत महिलाओं के लिए। इनके योगा क्लास में मानो केवल इन्हीं का प्रवेश वैध माना जाता था, बाकी लोगों के लिए मानो प्रवेश निषेध का बोर्ड टंगा रहता था। मीनाक्षी जाफर बॉर्डन, जो विक्रम के उत्पीड़न का शिकार हुई थी, अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति इनके भेदभावपूर्ण व्यवहार से भलीभांति परिचित थी, जिसकी ओर उन्होंने न्यायिक एजेंसियों का ध्यान भी आकृष्ट किया।
2015 के अदालती बयानों के अनुसार विक्रम चौधरी की अपमानजनक टिप्पणियां उनके चरित्र को और उजागर करती हैं। इनकी टिप्पणियों में मीनाक्षी की वकील कार्ला मिन्नॉड की उपस्थिति के प्रति भी इनके अपमानजनक विचार सम्मिलित हैं, जहां इसने विशेष रूप से मीनाक्षी के वकील कार्ला मिन्नॉड के लिए बेहद अभद्र और अश्लील भाषा का उपयोग किया था। इसलिए भी संभव है क्योंकि इन्हीं कार्ला मिन्नॉड ने एक समय पेंडोरा विलियम्स का प्रतिनिधित्व किया था, जिन्हें केवल अश्वेत होने के कारण विक्रम ने अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से निष्कासित कर दिया था और उसकी फीस भी वापस करने से स्पष्ट मना कर दिया था। दुर्भाग्य तो देखिए, आज भी विक्रम चौधरी जैसा व्यक्ति निर्भीक होकर स्वतंत्र घूम रहा है। जब इनके पूर्व कानूनी सलाहकार मीनाक्षी मिक्की जेफ बॉर्डन द्वारा दायर याचिका के आधार पर इन्हें दोषी पाया गया और इन्हें अविलंब $7 मिलियन की कुल क्षतिपूर्ति देने को कहा गया, तो इसने अमेरिकी एजेंसीज को ठेंगा दिखाते हुए 2016 में अमेरिका त्याग दिया और भारत में आकर शरण ले ली। कई आरोपों और एक आपराधिक मुकदमे के बावजूद विक्रम ने पश्चाताप का कोई संकेत नहीं दिया। 2016 के अंत में रियल स्पोर्ट्स पर ब्रायंट गैम्बल के साथ एक साक्षात्कार में विक्रम ने कहा, मुझे महिलाओं को सताने की क्या आवश्यकता, कुछ लोग मेरे शुक्राणु के एक बूंद के लिए $10 लाख खर्च करते हैं। ऐसी निर्लज्जता देखी है कहीं? मई 2017 में लॉस एंजल्स के एक न्यायाधीश ने जेफ बॉर्डन के बकाया $7 मिलियन के मुआवजे और दंडात्मक क्षति का भुगतान किए बिना भारत भागने के पीछे एक अरेस्ट वारंट जारी भी किया। विडंबना यह है कि इतने कार्रवाई के बाद भी कुछ प्राणी ऐसे हैं जो इनके योगा स्टूडियोज में भाग लेते हैं और इनके विक्रम योगा का प्रशिक्षण देते हैं। ऐसे क्या दुविधा है कि अमेरिका समेत अनेक देश इसे पकड़ तक नहीं पा रहे? इन सब का छोड़िए, भारत को किस बात का भय है? यदि नित्यानंद और गुरमीत राम रहीम जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, तो विक्रम उनकी तुलना में अभी तो बच्चा ही है, बस एक FIR की देरी है।